तो दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें बताया था कि डीपीक के बारे में अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। उसी से लेकर कुछ भाई लोग ने भी कमेंट किया है। और डीबी ड्रेसिंग करना उतना भी आसान नहीं है दोस्तों, कितना पापड़ बेलना पड़ता है मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा लेता हूं। ये मैं पहले जो वीडियो दिखाया था आपको, ये दूसरा फ्लोर का, ये दूसरा फ्लोर का, ठीक है। इसमें सेम अर्थिंग बॉक्स 2 आता है और यहां पर 2 डीबी है और नीचे 2 डीबी है और 2 डीबी ये साइड को शिफ्ट कर दिया गया यहां पर जगह कम होने की वजह से, ठीक है। और पहले जब केबुल आता है कुछ इसी प्रकार से आता है, यहां पर दिखा देता हूं, कुछ इसी प्रकार से आता है। ये केबुल जो पॉइंट से आता है, जो टेबल से आता है या लाइट से आता है, पहले ऐसे खींच दिया जाता है और पहले उसमें नंबर कर दिया जाता है। देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है जैसे U5B3, ठीक है। और केबल का दूसरा मुंडी में भी उसी तरह से लिखा गया होगा। ये जो जगह में चाहिए, जो टेबल में होने दो, अगर लाइट पॉइंट में होने दो, कोई भी जगह में, ये यू मतलब यूपीएस हो गया और 5 मतलब उसका 5 नंबर डिब्बी हो गया और बी मतलब ब्लू और 3 नंबर एमसीबी, ठीक है। उसी प्रकार से ये परमानेंट करने के लिए कुछ इसी प्रकार से नंबर फेयर डाल दिया जाता है। ये सब इसी प्रकार से आने के बाद यहां पर देख सकते कुछ ड्रेसिंग हो गया। ये ड्रेसिंग इसीलिए किया जाता है जो कि दूसरा केबल को ये डैमेज नहीं करेगा। अगर डैमेज होगा कि उसका आजू बाजू खाली 2-3 केबल डैमेज होगा, अगर बिखरा हुआ रहेगा तो ये क्या होता है कि एक केबल उसमें टच हो जाएगा, मतलब सारे केबल को खराब कर देगा। लेकिन ऐसा टाइप का ड्रेसिंग करेंगे तो ये 1-2-3 के अंदर ये केबल को खराब करेगा, लेकिन ज्यादा खराब नहीं होगा और एक लुक अच्छा आएगा जो कि क्लाइंट को पसंद आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये डीबी पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता है और डीबी यहां पर फ्रेम बिठाया नहीं गया। और कोई भाई ने बोला था कि ये स्नाइडर का ही है। हाँ भाई, स्नाइडर का एक्चुअली ये जो डीबी फ्रेम आता है वो स्नाइडर का आता है, लेकिन उसका जो केबल आने के लिए जो फ्रेम हमारा कंपनी खुद बनाता है, क्योंकि स्नाइडर एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो सभी महंगा वाला चीज भी बनाता है, लेकिन ये फ्रेम सभी हमारा कंपनी बना लेता है और बाकी सभी बहुत सारे चीज बनाता है, जैसे कि ये पैनल भी हमारा कंपनी बनाता है। ओके, यहाँ पर देख सकते ये कुछ लिखा गया है, एलिंस स्विच बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा कंपनी होता है। ये माइक्रोन का आदमी मैं भी हूँ, आपको भी मालूम हुआ होगा, सब कुछ बनाता है हमारा कंपनी। लेकिन ज्यादातर एमसीबी आप बोलेंगे हमारा कंपनी बना के देगा, ऐसे नहीं होता है। किसी कंपनी के साथ टाई अप होता है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट उसी से मंगा के हमारा कंपनी असेंबली करके देता है, ठीक है। इसी प्रकार से एलएमएस पैनल भी खुद हमारा कंपनी ने बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको एलएमएस पैनल के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इसका डिटेल्स वीडियो हम भी लेके आएंगे। पहले डीबी का वीडियो में कल रिकॉर्ड करेगा, कल रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों को दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्टिंग स्टेज में कुछ इसी प्रकार से किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस चालू होता है, कल रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों को दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्टिंग स्टेज में कुछ इसी प्रकार से किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस चालू होता है। भाई अबे डी को ई डाल दिया, नहीं अवेलेबल नहीं है U3। अच्छा U3 नहीं है। देखिए पूरा सारे का सारे केबल ड्रेसिंग हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा केबल ड्रेसिंग हो गया। ड्रेसिंग होने के बाद यहाँ पर आने के बाद जो डीबी का लोकेशन है, अगर ये डीबी का लोकेशन है यहीं पर है, एक केबल आने वाला है, वो पहले से प्लानिंग कर लिया जाता है, यहीं से स्क्रीन कर दिया जाता है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अर्थिंग और न्यूट्रल और फेज ये सभी पार्ट पार्ट कर दिया गया, जो कि इसका लुक थोड़ा अच्छा आएगा बोल के। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्थिंग पहले जाने वाला है, क्योंकि अर्थिंग का जो स्ट्रिप यहाँ पर लगाया गया, ओके, RYB करके नीचे नीचे हुआ है। ये सभी न्यूट्रल फेज क्या होगा, अगर न्यूट्रल यहाँ पर अलग से
स्ट्रिप लगाया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फेज न्यूट्रल दोनों के लिए एमसीबी यूज होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से हो गया है इधर तक। और पहले हमारा फास्ट ऊपर में रेड आता है, सेकंड में येलो आता है, थर्ड में ब्लू आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कितना सर्किट पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ओके, तो 6 सर्किट है। तो हमको ए साइड से केबल आया तो ये साइड से 1 2 होता है, 1 2 3 4 5 6 तो 6 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 6 को यहीं पर छोड़ देंगे, 6 का जो फेज होता है और न्यूट्रल होता है यहीं पर हम छोड़ेंगे, उसके बाद 5 छोड़ेंगे, उसके बाद 4 छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे छोड़ छोड़ के आएंगे। कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है, कल वो काम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज तो इतना हुआ है। और ये रॉ पावर का भी हो गया है सारे का सारे काम, ठीक है, उसी प्रकार से। और एक यूपीएस भी इधर रेडी हो गया है, ठीक है, उसी प्रकार से सब कुछ वही डिज़ाइन में हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो साइड से आ रहा था बोल के ये अर्थिंग उधर रुक गया, लेकिन ये पहले रुक गया फेज और न्यूट्रल, ओके, क्योंकि ये केबल ये साइड में आया बोल के। इसी तरह से एक एक करके करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा पहले से हो के आता है या जल्दी जल्दी कैसे लोगों करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक स्टेप आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी ये काम आसान से कर पाएंगे। लेकिन ये सभी काम पे क्या होता है कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और पेशेंस नहीं तो ये काम पे बिल्कुल मत घुसिएगा, ये काम आपको बहुत चिड़चिड़ा बेजार लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलेंगे और कल कितना ये काम इम्प्रूव हुआ होगा वो भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों देख सकते हैं ये अभी इतना काम खत्म हो गया, और ये जो सभी वायर मेजरमेंट करके कटिंग कर दिया गया, इसका वेस्ट यहाँ पर है। ऐसा टाइप का कुछ वेस्ट आपको भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा अंदाजे में किया जाता है और एक्यूरेट मेजरमेंट कहीं ना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये सभी वायर जो भी होने से 1-2 मीटर वेस्ट आपका होगा ही होगा। अगर इसको उधर रखने को चाहेंगे तो वो ड्रेसिंग गंदा होता है, फिर लेके वापस लेके आके ऐसे लगाना पड़ता है, ऐसा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि जितना उधर कचरा जाम होगा केबल वो भी हीट पैदा होता है, हीट के वजह से आपका भी केबल मेल्ट होगा, ऐसा नहीं करना। जितना चाहिए उतना रखना, ज़्यादा कभी भी एक्सेस नहीं रखना। जल्दी काम शैतान का होता है। और एक किधर ये क्या हुआ हुआ देखो तो वही वहाँ 6-6 तो 4-6 हाँ 6-6 तो 4-5 छ है ना, 3-3 छ 2-4-10 6 और एक लिख दिया इधर से हाँ वाइफ अच्छा चलो पहले इसको थोड़ा फिर निकाल लेते हैं। Thank you.
थोड़ा जोर से बोलो। y6 y1 कंप्लीट छह छह आ गया इधर। टू मार्केटिंग कंप्लीट हो गया। टेबल जहाँ तक मार्क्स लगे हैं वहाँ से लेंगे तो हम कटिंग मार देंगे। फेरल 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 से जो उठा रहा हूँ इसका देखो कॉपी करो। वायर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको ऐसे करके उठा कर कटिंग करना सबसे खराब है। अरे मान के समझा सकता है ना, उसी में लगा हुआ छोट वाली दाल से निकलती है के सामने खड़ा करा दे। बात मारे लोग यहाँ के बच्चा नहीं है। तीन बार रात तुम्हारे रूम में एक आदमी रूम के आदमी से बच गया। फिर लंच में तुम लोग तो पहले आया मतलब कि साइड में आके नहीं बैठ सकता है। यहाँ क्या करता है? बाल उठाता है, काम करता है, बहुत पान उठा देता है। मतलब बेइज्जती हो रही है, कभी भी बेइज्जती होता है। और लास्ट चांस तुम लोग का यही है, मल्लिकार्जुन से खड़ा करा देंगे कि देने का वही रिवाज है। रूम से आने से लेके खाना खाने जाने तक, चाय पीने जाने तक सब यही टाइम है। तब तुम लोगों को अच्छा से पिलाई होगी। आदमी है तो यहाँ भी आके बैठना। चलो आया काम इशाक को ऊपर 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 थोड़ा दे दो। लेवल में रुकना चाहिए ना। चलो देख लेते हैं। Yeah.
मीटिंग ज्यादा बड़ा हो जाएगी, कर दो, कट कट के बनाओगे तुम, कट कट के बनाओगे, एडिट करोगे, बोलना नहीं। चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है, बोलना नहीं है, आराम से एक उधर बता सकते हैं। नंबर थोड़ा साइज कर दो, वन 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 ऊपर थोड़ा दिखना। रेट का उसमें ये नहीं मारा ना, छोटा है ना कवर, पाया उसमें रेट टिप तीनों में मारा। मीटिंग ज्यादा बड़ा हो जाएगी, कर दो, कट कट के बनाओगे तुम, कट कट के बनाओगे, एडिट करोगे, बोलना नहीं। चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है, बोलना नहीं है, आराम से एक उधर बता सकते हैं। नंबर थोड़ा साइज कर दो, वन 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 ऊपर थोड़ा दिखना। पांडे जी का तो अभी दो तीन वीडियो भी है, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। चलो हम यार कुछ बोला जी, कितना व्यू दिया है चल इसका काम करो। सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम ये वायर तो पड़ता है, मैंने ले लिया। यू बन जैसे जाते हैं चलाइए, अंदर चलाइए। सत्ता में इसी का था करना। दोस्तों ये लेटर कौन आ जाए? विकास दिया? हाँ। ताना था इनका क्या? कौन ताना?
घंटा पहले कोई दोस्तों बस तो नहीं दोस्तों, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन कुछ सामान शॉर्ट है इसलिए डोर लगा दिया जा रहा है टेम्पररी के लिए अभी बस। सलाम नमस्ते सत्याकाल लॉक कर दो तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट फुटेज है तो आप देख सकते हैं ये अर्थिंग पूरा बराबर से इनकम और आउटगोइंग जो डीबी को आने वाला था वो सब कुछ लगा दिया गया और डीबी में भी पूरा का पूरा एमसीबी और आरसीसीबी और जो फोर पोल एमसीबी वो सब कुछ लगा दिया गया है और बाकी इधर थोड़ा सा डमी प्लेट लगाना है ये अर्थिंग को लगा के स्क्रू लगा देना है ठीक है। इसी तरह से ये फ्लोर खत्म होता है यहीं पर तो इसी तरह से दोस्तों ये डीबी का काम हो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर लेना अगर आपका मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना फिर मिलेंगे ऐसे और एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहते हम नमस्कार।